अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू में। तो आज हम पढ़ेंगे, इससे गुज़िश्ता क्लास में हमने पढ़ा था लाम के साथ जब किसी हर्फ को मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे मुख्तलिफ हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हम मीम को किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे मुख्तलिफ हो जाती है और उसको कैसे पढ़ा जाता है और उसकी शक्ल भी कैसे बदल जाती है। यह है मीम। मीम की ओरिजिनल शक्ल है, लेकिन जब हमने इसे अलिफ के साथ मिलाया और इसके ऊपर ज़बर है तो ये हो गया मा। मीम और टा, ये मीम है और ये टा है। अलिफ के साथ इसे पढ़ेंगे मट। मीम है जब जेर लग जाएगी तो मिट, और जब पेश लग जाएगा तो मुट। और ये मीम है, मीम के ऊपर ज़बर है और इसके बाद इसके साथ जीम है, तो ये हो जाएगा मज। जब जेर होगा तो मिज, और जब पेश होगा तो मुज। ये मीम है और ये दाल, और इसके ऊपर ज़बर है। ज़बर के साथ इसे पढ़ेंगे मद, जेर के साथ मिद और पेश के साथ मुद। मीम के साथ यहाँ पे रा है और इसके ऊपर ज़बर लगा दिया तो ये पढ़ा जाएगा मर, जेर के साथ मिर और पेश के साथ मुर। मर मिर मुर। ये मीम के साथ जब सीन मिलेगा इसके ऊपर ज़बर है तो ये पढ़ा जाएगा मस, जब जेर लगा देंगे तो मिस और जब पेश लगा देंगे तो मुस। ये मीम है और इसे स्वात के साथ मिला दिया गया है तो ये पढ़ा जाएगा मस, जब जेर लगा देंगे तो मिस और जब पेश लगा देंगे तो मुस। मस मिस मुस। ये मीम है, इसके साथ त्वा को मिला दिया गया है तो ये पढ़ा जाएगा मत, ऊपर ज़बर है और ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा मित और पेश के साथ मुत। ये मीम है और इसके ऊपर ज़बर है और ऐन है, जब इसके इसको मीम और ऐन को ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो माँ, ज़ेर के साथ मियाँ और पेश के साथ मुँ। ये मीम और फा जब दोनों को मिला देंगे तो मफ, और ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा मफ, ज़ेर के साथ मिफ और पेश के साथ मुफ। मीम और काफ जब दोनों मिला के पढ़ेंगे, मीम के साथ जब काफ को मिलाएंगे और ज़बर के साथ पढ़ा जाएगा मक, ज़ेर के साथ मिक और पेश के साथ मुख। ये मीम है, मीम के ऊपर ज़बर है और काफ के साथ ये मिला दिया गया तो हो जाएगा मक, और ज़ेर लगा देंगे तो मिक और जब पेश लगा देंगे तो मुख। ये मीम है, मीम के ऊपर ज़बर है और इसे लाम के साथ मिलाएंगे और ज़बर के साथ इसे पढ़ेंगे मल, ज़ेर के साथ मिल और पेश के साथ मुल। मीम के साथ मीम जब मिला देंगे तो ज़बर के साथ पढ़ेंगे इसे मम, ज़ेर के साथ मिम और पेश के साथ मुम। मीम और नून को जब मिला देंगे तो और ऊपर ज़बर है तो मीम इसको पढ़ेंगे मन, ज़ेर के साथ मिन और पेश के साथ मुन। ये मीम है और इसके साथ हा मिला दिया गया और ऊपर ज़बर है तो माह, ज़ेर के साथ मिह और पेश के साथ मुह। तो देखा नाजरीन, हम मीम को जब किसी हर्फ के साथ मिलाते हैं तो उसकी आवाज़ भी बदल जाती है और उसकी शक्ल भी बदल जाती है, लिखने में भी अलग हो जाता है और बोलने में भी अलग हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। शुक्रिया।